सोलो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की नवरात्रि फोटो एडिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस फोटो में जो भी PNG एंड बैकग्राउंड यूज किया उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ना यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। अपने ओपन करने के बाद से यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को आप लोग को लाना है। लाने के बाद से गाइस आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे रिसाइज कर लेंगे गाइस। तो रिसाइज करने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी बैकग्राउंड का लो क्वालिटी होती है वो हाई क्वालिटी में हो जाती है। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेते हैं, 3232 कर लेते हैं। यहाँ पे करने वाले से आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, नीचे आएंगे एड फोटो पे और यहाँ से हम अपने PNG को ऐड करेंगे, मॉडल PNG को एंड जो भी अपने PNG को ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मतलब जो भी मॉडल PNG को ऐड किया है उसको पहले से इरेज करके रखा है। तो अगर आप लोग को इरेज करना नहीं आता होगा तो उसका भी वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए पूरा फुल HD में कैसे इरेज करते हैं। तो यहाँ से अपने मॉडल PNG को सेट करेंगे, इसको देखिए गर्ल्स वाले PNG को है जो पीछे की तरह सेट करेंगे ऐसे, और अपने PNG को लेंगे, अपने मॉडल PNG को यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट करेंगे। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से एड फोटो पे जाएंगे और PNG को यहाँ से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लेने वाले फ्रेंड्स इस वाले PNG को सबसे पहले इस वाले PNG को लेंगे, इसको पूरा फुल डिस्प्ले कर लेंगे और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोप डाउन कर देंगे सारा तो पीछे चला जाएगा। और इस वाले PNG को लेंगे गाइस, इसको ऊपर की तरफ सेट करेंगे, अत्री जो PNG लिखा है अपने फोटो को ज़ूम कर लेंगे और इसको सेट कर लेंगे ऊपर की तरफ से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले PNG को लेंगे, यहाँ पे देखिए अपने फोटो को ज़ूम करेंगे और इसको लेंगे अपने मतलब माथे से सेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे और छोटा कर लेंगे, एकदम सेट कर लेंगे अपने हिसाब से जितना बड़ा रखना चाहते हैं। उसके बाद इसको ऑपेसिटी को पूरा 100 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सेट हो चुका है PNG भी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ डन कर देंगे। तो डन करने वाले फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आएंगे नीचे एड फोटो पे, और एड फोटो पे आने वाले से यहाँ पे देखिए इस वाले PNG को लेंगे और एक और PNG को यहाँ पे ले लेंगे। सबसे पहले इस वाले PNG को लेंगे फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको हल्का से यहाँ पे देखिए ऐसे रोटेट करेंगे और अपने अपने मतलब कपड़े पे ऐसे हल्का से कलर देंगे मारेंगे और इरेज पे जाएंगे, इनवर्ट पे क्लिक कर देंगे और फोटो को से जूम करेंगे, ब्रश पे क्लिक कर लेंगे और फोटो को से जूम कर लेंगे और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से एड फोटो पे जाएंगे, एक और PNG को यहाँ से ऐड करेंगे, इसको यहाँ से पहले इधर कर लेंगे फ्रेंड्स, इस वाले PNG को लेंगे, यहाँ पे सबसे पूरा फुल डिस्प्ले कर लेंगे, आगे तरह सेट कर लेंगे इसको। अब इस वाले PNG को लेंगे, यहाँ पे नीचे हल्का से ब्लैक कर लेंगे, शेडो कर हल्का सा शेडो बना देंगे और ऑपेसिटी को हल्का सा माइनस में रखेंगे। तो यहाँ से अब फाइनल आप लोगों को डन कर देना है फ्रेंड्स। तो अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, नीचे आना है आप लोगों को डॉट टूल में और 3 डॉट पे क्लिक करना है और अपने फोटो को सेव टू डी वाइप कर लेना है और अपनी फोटो को ले चलना है फ्रेंड्स किसमें, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोटो को ओपन कर लिया हूँ किसमें, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे ओपन करने वाले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और सिलेक्टिव पे
और अपने चेहरे पे से स्लाइड करेंगे, हल्का से ब्राइटनेस को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे और मॉडल पे भी अपने इंक्रीज कर लेंगे हल्का हल्का ब्राइटनेस, जहाँ ब्लैक दिखाई दे आप लोग को वहाँ पे आप लोग स्लाइड करके हल्का हल्का से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद से आप लोग क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से डन कर देना है। तो डन करने से फ्रेंड्स अब फिर से क्या करना है, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए टून इमेज पे आना है, नीचे स्लाइड करना है, फोर्थ नंबर पे अम्बाइंस का ऑप्शन मिलेगा, इसको हल्का से इंक्रीज कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आप लोग कुछ नहीं करना है, अपने फोटो को शेयर पे क्लिक करके अपने फोटो को ले चलना है किसमें, लाइट रूम के अंदर। तो गाइस से यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने फोटो को ओपन कर लिया हूँ लाइट रूम के अंदर। तो यहाँ पे लाने वास्ते आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए लाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटेस्ट का ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स, इसको हल्का सा माइनस में रखना है और हाईलाइट को भी हल्का सा माइनस में और शेडो को इंक्रीज कर लेना है फ्रेंड्स, व्हाइट को भी हल्का सा इंक्रीज और ब्लैक को माइनस में रखना है। तो इतना देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, रखने वास्ते आप लोग देख के उसको एडिट कर लीजिए। गाइस यहाँ से आप क्या करेंगे, कलर पाएंगे और हल्का से एम्बियंस का ऑप्शन मिलेगा, इसको हल्का से इंक्रीज कर लेंगे, बिगनेस का ऑप्शन मिलेगा, इसको हल्का से इंक्रीज कर लेंगे गाइस। और यहाँ पे कलर पे जाएंगे मिक्स पे और यहाँ पे सेकंड कलर पाएंगे, इसका सैचुरेशन को हल्का सा माइनस में रखेंगे और लुमिनस को इंक्रीज करेंगे गाइस और हुआई को भी हल्का सा माइनस में रखेंगे, रेड टोन दोगे फेस पे। और यहाँ पे फर्स्ट वाले कलर पाएंगे, इसका सैचुरेशन को हल्का से इंक्रीज कर लेंगे और लुमिनस को भी और हुआई को माइनस। और फ्रेंड्स येलो कलर पे आना है, इसका सैचुरेशन को हल्का से इंक्रीज कर लेना है और आप लोग को अपने कपड़े कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड्स और यहाँ पे आना है, इस पर हल्का से क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेना है, विग्नेट को हल्का से माइनस में रखना है। और क्या कहना है फ्रेंड्स, इस पर आना है, सरप्राइज को हल्का से इंक्रीज करना है और मेकिंग को भी, नॉइस को भी, कंटेस्ट को भी, कलर नॉइस को भी। और फ्रेंड्स इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग क्या करेंगे, हल्का से फेस को स्मूथ करेंगे लाइट रूम में, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, नॉइज डिटेक्शन को हल्का से और इंक्रीज कर लेंगे तो आप लोग का फेस हल्का सा और स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नॉइज डिटेक्शन को पूरा फुल माइनस में रखना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फेस जो भी है आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अंतर दिखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं फेस को अपने, तो यहाँ पे देख सकते हैं फेस स्मूथ हो चुका है। तो लाइट रूम में ही, तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग कुछ नहीं करना है, बिफोर आफ्टर देख लेना है, बिफोर आफ्टर। तो फाइनल फोटो एडिट हो चुकी है गाइस, तो आप लोग शेयर पे क्लिक करके अपने फोटो को सेव टू डिवाइप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।